नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस शो में जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन न्यूज़ मीडिया सर्कस। मैं हूं आपका होस्ट द होस्ट। मेरा पेशा है बातें बनाना और बातें बढ़ाना। मैं जो भी बोलता हूं अपबीट मैनर में ही बोलता हूं ताकि किसी को पता ना चले कि मैं एक्चुअली बहुत ही बुरा होस्ट हूं। तो आइए शुरू करते हैं खास कार्यक्रम जहां हम ढूंढेंगे द न्यू फेस ऑफ इंडियन न्यूज मीडिया। हमने कुछ यंग फ्रेश आउट ऑफ होप जर्नलिज्म स्टूडेंट से एक 2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहा, जिसे ना सिर्फ एडवर्टाइजर्स जज करेंगे बल्कि सारे देश के सिटीजन्स भी जज करेंगे। तो आइए मिलते हैं आज के पहले जज। हमारे पहले जज आपको आपके घर के नजदीकी पार्क में रोज सुबह वॉक करते हुए दिखेंगे। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शर्मा जी। नमस्ते नमस्ते। हमारी नेक्स्ट जज हैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिन्हें हाल ही में वॉक ऑफ शेम के अवार्ड से भी नवाजा गया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम केरन रणावत। आज के आखिरी जज अपने आप को वोक समझते हैं और फिलहाल नौकरी की तलाश में भी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम शंकर भाटिया, क्योंकि युवा रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है। छोड़ू दो माजा, फ्रूटी नहीं माजा। हाँ। अगर आप सोच रहे हैं कि इस शो का नाम द ग्रेट इंडियन न्यूज़ मीडिया सर्कस क्यों है, तो आपका इस शो के साथ बने रहना और भी ज्यादा जरूरी है। तो विदाउट फर्दर अडू बुलाते हैं आज के पहले कंटेस्टेंट को, जिनका नाम है समीर बहादुरी, जो द सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रेस्टीजियस कॉलेज ऑफ दिल्ली के ग्रेजुएट है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है समीर बहादुरी। गुड मॉर्निंग समीर, अगर आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए रेडी हैं तो शुरू कीजिए। यस सर। हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुगलों का राज वापस आ जाएगा, राम मंदिर, धारा 370, कश्मीर, इस तरह की बातें मायने नहीं रखती। ये मुद्दे दिल्ली वालों के लिए कोई मायने नहीं रखती। दिल्ली वाले सिर्फ अपनी मस्ती में रहना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि देश में जो भी हो, देश जहाँ भी जाए, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। दिल्ली की जनता अपनी जीवन के संघर्ष में पूरी तरह बिजी है, लुप्त है। दिल्ली का चुनाव स्थानीय मुद्दों पे ही लड़ा गया है और दिल्ली वालों को स्थानीय मुद्दे ही पसंद आए। जनता इन राष्ट्रीय मुद्दों और बीजेपी को नकार दिया और जनता ने यह बता दिया कि यह बातें सोशल मीडिया पर लिखने के लिए बहुत अच्छी है, न्यूज चैनल पर देखने के लिए बड़ी अच्छी लगती हैं, अखबारों में पढ़ने के लिए भी ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, पर जनता को असलियत में इन पे कुछ नहीं करना होता। हम जब किसी पार्टी में जाते हैं तो ड्रिंक्स के साथ डिस्कशन करने के लिए, थोड़ा पॉलिटिकल बातें करने के लिए, राजनीतिक बातें करने के लिए, ये सारे मुद्दे बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन जब हम वोट डालते हैं तो इन चीजों पर डालते हैं कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहाँ लगी हुई है। हम जब वोट डालेंगे तो हमें ये देखना होगा कि सेल कहाँ पर लगी हुई है। आप दिल्ली के लोगों से काफी नाराज लग रहे हैं। तो जजेस, आपके क्या कहना है समीर बहादुर की परफॉर्मेंस के बारे में? समीर बेटा, तुम बोल तो अच्छा लेते हो, एंकर वाली पर्सनालिटी भी है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें सफेद आम पसंद है कि दशहरी आम? सफेद भी होता है। हाँ। और ये बताओ, तुम्हारे ख्याल से न्यूज़ स्टोरी लिखते समय फैक्ट चेकिंग जरूरी है? सर मुझे ये लगता है न्यूज़ स्टोरी लिखते समय फैक्ट चेकिंग बेहद ज़रूरी है। और जैसे हमने अपनी जर्नलिज्म की पढ़ाई में सीखा कि सबसे पहला स्टेप होता है रिसर्च एंड फैक्ट चेक। ऐसी बातें ना सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है समीर जी, इंडस्ट्री में आके सब कुछ बदल जाता है। मुझसे पूछे, मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है, मुझे सारा एक्सपीरियंस है। ये देखिए स्क्रिप्ट में भी लिखा है, ये देखिए इसे जरा। अच्छा भाई, न्यूज़ की डेफिनेशन क्या होती है यही बता दे। और भाई तू मजा लाना यार। अगर आप मेरे से न्यूज़ का पूछना चाहते हैं तो न्यूज़ होती है सर, न्यूज़ कैन बी डिफाइंड एज अ रिपोर्टिंग इवेंट दैट हैज हैपेंड रिसेंटली एंड थोड़ा ना मेरे को याद करना पड़ रहा है तो मुझे ब्रेक लेके बताना पड़ रहा है। आप होप आप माइंड नहीं करेंगे थोड़ा। एंड इट्स टू बी सर्कुलेटेड, तो यही होती है न्यूज़। क्या? नहीं, न्यूज होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आप मुंबई नहीं आ सकते, सॉरी। तो ये थे समीर बहादुरी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट की ओर, जिनका नाम है मुकेश हरबानके, जिन्होंने LLB किया है नो वन हेड ऑफ दिस कॉलेज, महाराष्ट्र से। चलिए सही है, आपने लॉ कर रखा है, मीडिया ट्रायल भी आप कर ही लेंगे, अपनी परफॉर्मेंस शुरू करिए फटाफट। नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश हरबानके और आप देख रहे हैं द ग्रेट इंडियन न्यूज़ मीडिया सर्कस। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों की घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान IPS IPS में कैसे बढ़ने लग गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए। ये लोग अगर आपके जिला अधिकारी या फिर आपके मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण सत्र कार्यपालिका की कब्जे की बात करने आए हैं हम। देखिए नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान। क्या बढ़िया परफॉर्मेंस थी, आप तो मेरे फेवरेट ही हो। अरे परफॉर्मेंस तो ठीक है, पर ये तो बता न्यूज क्या होती है? सर न्यूज इंफॉर्मेशन होती है हालांकि हुई घटनाओं के बारे में। अच्छा, और कौन सी चीज न्यूज नहीं होती? झूठी खबरें, प्रोपेगेंडा, सर ऐसी चीजें हैं जो न्यूज के अंदर नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। हमारे अगले कैंडिडेट हैं अवीश कुमार, जिन्होंने ग्रेजुएशन, अरे छोड़ो, इनके यूनिवर्सिटी में वैसे भी कॉलेज कौन जाता है। नमस्कार, मैं अमीश कुमार। नमस्ते नमस्ते अवीश जी, तो चलिए अपना मोनोलॉग शुरू कर दीजिए। नमस्कार, मैं अमीश कुमार। भले ही आप मुझे ना देखें पर टीवी कम देखिए। पहले तो श्रीदेवी की दुखद मौत हुई, उसके बाद हर चैनल ने उन्हें अपने अपने हिसाब से मारा। दर्शकों ने लतीफ़े बनाए और फिर से उन्हें मारा। तो क्या आप देख रहे हैं कि टीवी में हमारी संवेदनशीलता को खत्म करने की कितनी बड़ी क्षमता है? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी अमीश जी, आवाज तो आ रही है मगर कोई सुन नहीं रहा। अरे नहीं भाई, बिल्कुल सुन रहे हैं, लेकिन तुम्हारी परफॉर्मेंस में वो दम नहीं है। और ये क्या कह रहे हो, जनता टीवी देखना बंद कर दे क्या? ऐसे तो आप धंधा बंद करा देंगे। अगर आपको ऐसी बातें करनी है तो आप दूसरे न्यूज़ चैनल पर जाके ऑडिशन कीजिए। दिक्कत तो यही है ना मैम कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ही धंधा बना दिया है? क्या तू बनेगा जर्नलिस्ट, तू बनेगा एंकर? तेरे से ज्यादा अच्छा एंकर तो मैंने शिप में देखे हैं। आऊँ तेरे घर? अभी कोविड है, मैं जानता हूँ, मैं 50 का, मुझे कोविड नहीं होता, मैं इम्यून हूँ। तू बनेगा रोडी, तू बनेगा। अरे शर्मा जी, रॉन्ग शो। शर्मा जी, आपको पत्रकारिता के डॉक्टर का नंबर दूँ क्या? हमारे घर का ही नंबर है जी। अरे सर, बात तो आपने पते की करी, लेकिन अगर आप न्यूज शो पर ऐसी बातें करेंगे तो लोग चैनल बदल देंगे। सर लोगों के चैनल बदलने से कोई सच थोड़ी ना बदल जाएगा। अरे बस हमें शो आगे भी बढ़ाना है। नेक्स्ट। अरे क्या ये लोग ढूंढेंगे क्या? चैनल बदलने से सच नहीं बदल जाता। बढ़िया है। आवर लास्ट कैंडिडेट फॉर द डे इज प्रणब इगोस्वामी, ग्रेजुएटेड फ्रॉम एन एक्चुअली गुड कॉलेज। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं अपने शब्दों पे संयम रख के बात करना चाहता हूँ, मैं अपने शब्दों पे संयम रखना चाहता हूँ, वरना जो इन ये तकवालों ने किया है, मैं कह रहा हूँ जो इन ये तकवालों ने किया है, मैं इनको खुली चुनौती देना चाहता हूँ। रोक सको तो रोक लो और थोड़ी शर्म करो थोड़ी। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चक्रवर्ती को बचा सकते हो तो बचा लो, चक्रवर्ती को बचा सकते हो तो बचा लो। जो मोहिम चालू करी है ना तुम लोगों ने, सत्यमेव जयते, थम्स अप, वी विल विन, सत्यमेव जयते, वी विल विन। ये सत्यमेव जयते वालों को मैं कुछ कहना चाहता हूं। सत्यमेव जयते में विश्वास रखने वाले लोग बकवास करते हैं ये लोग, और बकवास की भी हद होती है। क्या कहते हैं ये लोग? दुष्यंत सिंह राजपूत जो हमारा भाई है ड्रगी है वो, कहते हैं उसको ड्रगी है, चरसी है, वो गजेड़ी है, एक्सेसी लेता है वो। कैसे? प्रमाण दिखाओ। दुष्यंत सिंह राजपूत जो हमारा भाई है, जिसके लिए हम सब लड़ते हैं, जिसके लिए हम सब लड़ रहे हैं, टीवी पर एक एक घंटा लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, रेटिंग्स चाहिए ना तुम लोगों को, मैं ला के दूंगा रेटिंग्स, तुम मुझे प्रमाण ला के दो। कहाँ है प्रमाण? मुझे प्रमाण दिखाओ। Where is the proof? मैं दिखाता हूं तुम्हें प्रूफ। ये रहा प्रूफ, ये स्क्रिप्ट है मेरी, चक्रवर्ती की चैट से मेरे पास, और वो कहती है मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो मुझे, ड्रग्स दो मुझे, एक्सटेसी दो मुझे, गांजा लाके दो मुझे, चरस लाके दो। कौन है ड्रगी? चैट से क्या पता चलता है कौन है ड्रगी, कौन है ड्रगी, कौन है ड्रगी? दुष्यंत सिंह राजपूत जो हमारा भाई है वो ड्रगी नहीं है। द नेशन नोस चक्रवर्ती ड्रगी है, ड्रगी है वो, ड्रगी है वो, ड्रगी है वो। तू भी ड्रग लेता है, तू भी ड्रग लेता है। आई एम फाइन, आई एम फाइन। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस। बोला था ना तुम्हें, बोला था ना, तुम पक्का दशहरी खाते होगे बेटा। उस दिन तुम प्लेन में नहीं बोले थे इतना, लेकिन यहाँ बहुत बढ़िया बोले हो, बहुत बढ़िया। दिस इज द फेस ऑफ इंडियन न्यूज़ मीडिया। आप जैसे लोग ही तो चाहिए हमें न्यूज़ मीडिया में। मैं कह रहा हूं मैं भाई, आई एम फाइन। दिस इज माई शो। Do not tell me how I am feeling. क्या बोल रहे हैं आप लोग? ऐसी चलेगी मीडिया? सर अभी तक चल रही है और लोगों की मर्जी से आगे भी चलेगी। हमारे जजेस के ओवरली ड्रामेटिक रिएक्शंस को देख के लगता है कि हम सबको पता है कि इंडियन न्यूज़ मीडिया के न्यू फेसेस कौन है।